नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर तो हैं, घर में बेटे बहू बेटी पोते नवासे भी हैं, पर वे अपने घरों में नहीं है। ऐसे लोग वृद्धाश्रम में निवास कर रहे हैं, उनका अपना घर नहीं पर बड़े घर में रह रहे हैं। उस बड़े घर में कई सामाजिक संगठन समाजसेवी उपहार लेकर आते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार 5 नवंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश व सचिव उमेश कुमार सोनी के मार्गदर्शन में एवं विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह महेश्वरी की अध्यक्षता में वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में वृद्धजनों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी ली गई। कुछ दिनों बाद ही सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, ऐसे में ठंड से बचने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष न्यायाधीश महेश्वरी एवं जिला न्यायाधीश सोनी, मुख्य न्याय रक्षक सतीश ठाकुर ने आश्रम में निवास कर रहे वृद्धजनों को, जिसमें महिलाओं को गर्म ऊनी स्वेटर, पुरुषों को जैकेट का वितरण किया गया। गर्म वस्त्र पाकर वृद्धजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर उप मुख्य न्याय रक्षक नीति आचार्य, सहायक न्याय रक्षक जिशान मोहम्मद शेख, हर्षवर्धन चौहान, आदित्य फाटक, स्वास्थ्य विभाग आयुष चिकित्सक उपस्थित रहे। धार से खबर समय जगत की ललताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.